गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया की शुरुआत करेंगे, यानी भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा था, अब भारत में कैसे राष्ट्रवाद डेवलप हुआ, किस टाइप से आया, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है। इसमें पार्ट वन में 5 पॉइंट है, इन 5ों पे बात करेंगे। पहले नंबर पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये एक्ट 1878 में पास किया गया था। द एक्ट थ्रू विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस पे पाबंद लगा दिया गई थी कि कोई भी भारतीय किसी भी अगर समाचार पत्र या किसी में भी अगर जो है रिपोर्ट लिखता है या एडिटोरियल संपादित लिखता है तो उस पर इसमें रोक लगा दी गई थी। 1878 में पास किया गया था। सेकंड नंबर पे बॉयकॉट, यानी बहिष्कार। द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय एंड यूज थिंग्स यूजुअली ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। इसमें जो भारत के लोगों द्वारा किसी के साथ संपर्क रखने, जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी करना, चीज़ों के खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, ये निर्णय लिया गया कि हमें बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है, यानी जो विदेशी चीज़ें हैं उनको नहीं खरीदना है। थर्ड नंबर पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 को एक्ट ये पास हुआ। इट वाज एन एक्ट थ्रू विच प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड। इसमें कोई भी जो वर्कर्स होते थे बागानों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। फोर्थ नंबर पे सत्याग्रह, ए नॉन वायलेंट मेथड यूज्ड बाय गांधी जी अगेंस्ट द ओप्रेसर। ये अहिंसात्मक तरीके से एक आंदोलन कराया गया था जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी उनके विरोध में ये आंदोलन किया गया था, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, ये सत्य पर आधारित था। फिफ्थ पॉइंट है खिलाफत मूवमेंट, इट वॉज ए मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाई द फेमस अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की आफ्टर द वार। ये दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों भाइयों के द्वारा एक विरोध आंदोलन शुरू किया गया जो तुर्की के साथ युद्ध के बाद किए गए अन्याय के विरोध था, यानी तुर्की में जो युद्ध हुआ उसके अन्याय के विरोध में इन दोनों भाइयों को साथ में लेकर के खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। इनको आप 2-3 बार देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।